लोग आए, साहब रोए, महिला रो रही थी, कल बारिश में भीग गए, कोई आज धूप में 6 घंटा लोग खड़े, इतनी तकलीफ उठाए, क्या आशा है गवर्नमेंट से? देखिए, इतनी तकलीफ कोई तभी उठाता है जब उसके जख्म गहरे होते हैं। 6 साल से ये संघर्ष है, ये केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमें एज अ बुजुर्ग घर में या समाज में या देश में इज्जत होनी चाहिए। अगर पैसा नहीं तो हमें कौन इज्जत देगा? और हमारा पैसा सरकार के पास है, ईपीएफओ उस पर कुंडली मार के बैठा है। तो हम चाहते हैं कि वो पैसा हमें मिले और वो पैसे से ऊपर हमें अपना जिंदगी स्वाभिमान से हम गुजारे। इसलिए लड़ाई है, इसलिए लोग इतने धूप में खड़े हैं, इसलिए कल बारिश में भीग रहे थे, एक भी आदमी यहाँ से डिगा नहीं। तो ये सब इसी के परिणाम है। और अगर इतना होने के बावजूद और आप प्रेस ने इतना दिखाने के बावजूद अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती तो इसको हम असंवेदनशीलता की परिसीमा ही कह सकते हैं। आपने कल जंतर मंतर प्रदर्शन किया, आज रामलीला मैदान में करें, क्या वजह गवर्नमेंट अभी तक नहीं सुनी? आप लोग रामलीला मैदान तक आ गए, इसके आगे आप कहाँ तक जाएंगे? देखिए, हम तो जीतेंगे या मरेंगे, हमें दो ही चॉइस है, हारने की चॉइस हमको नहीं है। या तो हमें जीतना है या मरना है। आज हम मरने की कगार पे आए थे, हमने आमरण अनशन आज रोका है, क्योंकि 75वीं सालगिरह में हम नहीं चाहते आजादी के अमृत महोत्सव को किसी तरीके से दाग लगे। ये हमारी देशभक्ति की भावना है, इसलिए हम रोके हैं। इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन हमने सरकार ने इसको एक तरफ एक मौका और एक अच्छी बात समझ के देखना चाहिए और लोगों को उनका न्याय देना चाहिए। क्या जिस तरीके से आप बोले कि आज रोक दिए हैं, क्या 15 अगस्त के बाद इसको फिर से चालू करेंगे आप? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ निर्णय या कुछ संकेत नहीं आते तो हमें चॉइस ही नहीं है। हम सड़ के नहीं जीना चाहते, हम लड़ के मरेंगे, क्योंकि हमारा जज्बा है भाई, इंसान है जिसने पूरी जिंदगी पैसे काटे हैं, उसके पेंशन फंड में आज 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है, उसमें हर साल 90,000 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, 62,000 करोड़ का ब्याज आता है। अब ये सब आने के बाद कोई बाबू अगर बोलेगा ब्यूरोक्रेट कि हमारे पास पैसा नहीं है, कौन है वो, कैसा हिसाब कर रहा है वो, उसका हिसाब लेना जनता को नहीं आता, क्यों नहीं आएगा? हम चाहते हैं आज सरकार स्ट्रांग है, प्रधानमंत्री जी एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2 बार आश्वासन दिया है, तो हमें आशा है कि इन्होंने करना चाहिए।